अभी से कर्नल अजय जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपके अकॉर्डिंग आगे कैसा रुझान रहेगा, कॉटन में क्या संभावनाएं बन रही है? और ये भी खबर निकल के सामने आई कि चाइना का जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो लगभग 3% कम रह सकता है। देखिए अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कॉटन में आपने। कॉटन के अंदर चाइना ने अपना रिजर्व स्टॉक भी बेचा था, क्योंकि वहां पर जो पावर संकट था और जो उसमें समस्याएं थी उसको रख के चाइना को हम एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र की दर्जी से देखते हैं, क्योंकि कृषि जींसों के अंदर तेजी मंदी में उसकी उसका रोल बहुत अधिक माना जा रहा होता है, क्योंकि वो टाइम चाइना की एक खास बात होती है, वो हमेशा समय से पहले स्टॉक कर लेता है। पिछले साल सोयाबीन के अंदर उसने अमेरिका से सोया का वेल इन एडवांस अपना स्टॉकिंग कर लिया, और उसके बाद जब सोया की बड़ी तेजी दर्ज हुई और उसको पूरा उसको लाभ उठाया, जबकि आंकड़े ये दर्शा रहे थे कि चाइना इस बार ब्राजील से माल नहीं खरीद रहा है, चाइना इस बार अर्जेंटाइन से एक कंपैरेटिवली कम माल खरीद रहा है, जबकि उसने ऑलरेडी स्टॉकिंग कर ली थी अमेरिका से वेल इन एडवांस। तो ये इसकी चाइना की फितरत है, क्योंकि ये देखता कुछ और है, करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, और इसी वजह से ये ज्यादातर कामयाब भी होता है, क्योंकि ये धोखा देने में मास्टरपीस है। मैं इसको धोखा नहीं कहूंगा, मैं इसको स्ट्रेटेजी कहूंगा कि उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत अच्छी है कृषि जींसों के मामले में। तो जो चाइना दिख रहा है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करके उसको बाकी फंडामेंटल भी देखने पड़ेंगे। चाइना ने अपना रिजर्व कॉटन स्टॉक को दो से तीन बार रिलीज किया है, और वहां पे प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम बताया जा रहा है, और अपना जो कॉटन जो है आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि 49% अधिक बरसात औसत से जो दर्ज हुई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच में, और जो गुलाबी बॉल वर्म है यानी पिंक बॉल वर्म है, उससे भी कॉटन की क्वालिटी के अंदर काफी फर्क पड़ा है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है, और आधे से ज्यादा फसल जो किसान ला रहे हैं उनके अंदर वो दागी माल है, अच्छी क्वालिटी का सुपर माल बहुत कम है। तो जिस भी किसान के पास सुपर क्वालिटी का माल है उसको दाम अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का माल ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे और भी खबर जो उन्होंने यदि अमेरिकन कृषि विभाग की रिपोर्ट को हम मान लें तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है वो इस बार जो आ रही है जो मौजूदा सीजन के अंदर कुछ इजाफा लेके ही बेल आ रही है। तो कुल मिला के अलग अलग राय हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के ऊपर नजर रखें, ग्राउंड स्थिति नजर रखें, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को हम समझें और फंडामेंटल एनालिसिस को समझें, तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉटन के अंदर बहुत मंदी नहीं है, धैर्य इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, और कॉटन के अंदर अच्छी क्वालिटी का जिस भी किसान या कारोबारी के पास माल है उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि दागी माल अधिक है, अच्छी क्वालिटी का माल अधिक नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि मार्केट टाइम्स के टीवी के माध्यम से सभी किसानों को, और खासकर क्योंकि कपास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राजस्थान के भी बहुत इलाकों में कपास का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र तेलंगाना के अंदर भी इसकी पूरी फसल है, पंजाब के अंदर भी इसका पूरा फायदा है। तो यही मेरे किसानों को और कारोबारियों को संदेश है जी। अखिलेश जी, जी तो यानी कि कॉटन में ज़्यादा मंदी की संभावना कर्नल अजय जी को नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे उन्होंने कॉटन का काफ़ी अच्छा विश्लेषण करके बताया है, और ये भी बताया है कि मंडियों के अंदर हाजिर में ज़्यादातर जो माल आ रहा है वो दागी माल है, अच्छी कॉटन जिनके पास हैं, जिन कारोबारियों के पास है, जिन किसानों के पास है, उनको कर्नल अजय जी के मुताबिक आगे काफ़ी अच्छे स्तर यानी काफ़ी अच्छे दाम ज़रूर मिलेंगे।